शुक्रवार को होने जा रहे विधान परिषद चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है, ऐसी जानकारी जिलाधिकारी विमला आर ने दी। शुक्रवार को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। गुरुवार को जिलाधिकारी विमला आर इन्होंने आयोजित पत्र परिषद में बताया कि नागपुर जिले में कुल 15 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। इनमें से 3 शहर और 12 केंद्र ग्रामीण के हैं। इस चुनाव में कुल 560 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान करने समय किसी भी मतदाता को मोबाइल, आईपैड, पेन, ब्लूटूथ जैसी चीजें नहीं ले जा सकेंगे। मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए वोटर आईडी या पक्ष का आई कार्ड दिखाना होगा। शुक्रवार को होने वाले चुनाव के लिए पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। मतदान करने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहेगा। पूरे चुनाव प्रक्रिया में कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा, ऐसी जानकारी जिलाधिकारी विमला आर ने दी। 8 ते 4 या वेळेत आपल्याला मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे। नागपूर जिल्हा महाराष्ट्र विधान परिषद स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची निवडणूक 2021 आज सकाळी आमचे सगळे जे जिल्ह्याचे प्रिसायडिंग ऑफिसर आहे, झोनल ऑफिसर आहे, सगळे आले होते आणि त्यांच्यासोबत त्यांचा जो मतदानाचं साहित्य आहे आणि मतदान स्थापित करण्यासाठी जी जे कार्यवाही त्यांनी करायची असेल ते सगळे घेऊन आणि आपल्या आपल्या क्षेत्रामध्ये ते जाऊन त्यांनी त्यांचे मतदान केंद्र स्थापित केलेले आहेत। एकूण मतदान केंद्र आपल्याकडे 15 आहेत। मतदार यादीमध्ये नाव 560 आहेत, परंतु त्यापैकी एक मतदाराला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाने मज्जाव केलेला आहे। यादी भाग क्रमांक तीनमध्ये अनुक्रमांक 71 जे मतदार सुषमा सुभाष कावळे आहे यांना माननीय भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदान करण्यापासून मज्जाव करण्यात आलेला आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।